हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद फ्री एंड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेम टॉपिक डिस्कस किया था, बट हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसका वन एंड फिक्स्ड था, मींस उसको हमने टाइट कर रखा था एट सर्टेन से, मे बी सम पेग और समथिंग यू कैन कंसीडर सम रॉड। बट इस केस में हमारे पास ऐसा नहीं है, इस केस में जो एंड है एट x इक्वल टू जीरो उसको हम फ्री कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी टाइप का नहीं लग रहा है। ओके, सो उसको अब हम आज प्रोसीड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर ए सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। प्रोसीजर सेम आपका प्रीवियस टॉपिक की तरह सेम रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरा प्रोसेस करेंगे, बट हमारे पास जो बाउंड्री में डिफरेंस होगा उसकी वजह से सॉल्यूशंस में लिटिल बिट डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। कंसीडर ए सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद फ्री एंड एट x इक्वल टू जीरो। स्ट्रिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है, सो हम यहाँ पर इक्वेशंस को एज इट इज यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग। सेमी इनफाइनाइट कंसिडर किए, सो द रीजन एक्स एज जीरो टू इन्फिनिटी, टी ऑलवेज इज पॉजिटिव, वी हैव इनिशियल डेटा यू एक्स जीरो इज समथिंग से एफ एक्स ओवर जीरो टू इन्फिनिटी, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी यू टी एक्स जीरो विच इज गिवन बाई से जी एक्स इज ऑल्सो ओवर द रीजन जीरो टू इन्फिनिटी, एंड वी हैव वन बाउंड्री कंडीशन। सो हाउ वी डिफाइन दिस बाउंड्री? हमारे पास यहाँ पर कंडीशन इसने बोला है फ्री एंड, मीन्स फ्री एंड का मतलब हो गया किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रीवियस वन के साथ कंपेयर करें, वहाँ पर हमने एंड को फिक्स किया और उस समय बाउंड्री डिफाइन की थी यू जीरो कॉमा टी जीरो। वहाँ पर हमने मेंशन किया था कि हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सो यू जीरो कॉमा टी इज जीरो था। बट यहाँ पर आपके पास आपको नहीं पता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है? आपको पोजीशन नोन नहीं है, तो आप उस पर पोजीशन पर तो कुछ डिफाइन कर नहीं सकते। बट हम कोई भी इस तरह से फ्री कंडीशंस का स्ट्रिंग का जो एंड है उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पर अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट हम ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। आप किसी भी कर्व का एंड पॉइंट पर ग्रेडियंट सर्च कर लीजिए, देन दिस ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। सो यू एक्स जीरो कॉमा टी इज जीरो। तो हम फ्री एंड के केस में बाउंड्री जो अपनी डिफाइन करते हैं वो ग्रेडियंट फंक्शन से डिफाइन करेंगे फ्री एंड। ओके, एंड दिस इज फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये आपको वन दे रखिए, ठीक। इसमें मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जीरो कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टी अगर मैंने एक्सेस जो कंसीडर की है जिसमें एक्स आपने जीरो लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर मैंने जैसे टच किया स्ट्रिंग को तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मे बी समथिंग मैं कुछ फ्री एंड का केस है तो इस तरह से मान लेता हूँ से एट सम सर्टेन टाइम टी दिस वाइब्रेशन इज गिवन बाई दिस वन। सो टी आपका अगर जीरो होगा देन दिस इज सिमिलरली यू कैन जनरेट लाइक दिस समथिंग लाइक दैट। ये टी इक्वल टू जीरो पर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एंड दिस इज एट एनी टाइम टी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये स्ट्रिंग डिफाइंड है, ओके, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है एक्स इक्व टू जीरो, तो ये टाइड नहीं है, ठीक। इसीलिए हम इसकी जो ग्रेडियंट है ग्रेडियंट वैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। अब हमें इस पॉइंट पर ग्रेडियंट डिफाइन करना हो क्या डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास कोई सर्टेन कंडीशन नहीं नोन है कि किस तरह से ये फ्री है। हो सकता है स्ट्रेट वे में फ्री हो सकता है कि कर्व्ड के फॉर्म में फ्री हो, तो उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब एक्स टी प्लेन को हम यहाँ पर अगेन डिफाइन कर लेते हैं एंड उसके बाद आई थिंक ये हमें कुछ ईजी होगा सॉल्व करना। सो यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स की करेक्टरिस्टिक्स आपके पास नोन होती हैं। वी ड्रॉ वन करेक्टरिस्टिक एक्स इक्व टू सी टी मीन्स एक्स माइनस सी टी इक्व टू सी वन विच पासिस थ्रू द ओरिजन, देन दिस कम एक्स इक्व टू सी टी।
और यहाँ पर अगेन सेम वे प्रीवियस जो आपने डेरिवेशन किया उसी की तरह से हम कंसीडर करते हैं. सपोज वी टेक सम पॉइंट हेयर, देन इफ यू वांट टू फाइंड द सोल्यूशन एट दिस पॉइंट वी कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द करेक्टरिस्टिक्स एंड वी ऑब्टेन द सोल्यूशन एट दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ पर तो आपके पास x माइनस सी टी इक्वल टू सी वन भी आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, x प्लस सी टी इक्वल टू सी टू भी आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, मीन्स x इज ग्रेटर देन सी टी रीजन के अंदर आप सेम वे डी'एलम्बर्ट सोल्यूशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. बट इफ यू टेक सम पॉइंट हेयर, वी टेक सम अनदर कलर, इफ यू टेक सम पॉइंट हेयर देन, अच्छा यहाँ पर पहले तो हम बाउंड्री रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज द यू एक्स जीरो कॉमा टी, ये हमें इस लाइन पर गिवेन है. ओके दिस वन, तो ये हमारे पास बाउंड्री हो गई. तो अब हम इस पे करेक्टरिस्टिक को एक्सटेंड करते हैं, ड्रॉ करते हैं इनिशियल डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग. बट सेम वे जैसा आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास यहाँ पर ये आपका करेक्टरिस्टिक एक्स माइनस सी टी आपकी जो करेक्टरिस्टिक है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर आपके पास बट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. आपका बेसिकली जो डी'एलम्बर्ट फार्मूला है वो क्या कर रहा है कि आपने करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दी किसी भी सर्टेन पॉइंट एक्स कॉमा टी से, और जहाँ पर भी आपकी करेक्टरिस्टिक्स एक्स एक्सिस को कट करती हैं उस पॉइंट पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नोन है वो इन्फॉर्मेशन थ्रू द करेक्टरिस्टिक आपकी ट्रांसफर हो रही है एट द पॉइंट एक्स कॉमा टी. बट अगर हम अपने जो ब्लू से लाइन वाले सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस सी टी जो करेक्टरिस्टिक है उसका इंटरसेक्शन हो रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आपको इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन बाउंड्री. तो यहाँ हम बाउंड्री तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स बाउंड्री तक इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट बियॉन्ड द बाउंड्री हमारे पास इसका ड्राइंग पॉसिबल नहीं है, मीन्स इसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है. तो हम यहाँ पर जो बाउंड्री है उसके थ्रू एक्सटेंशन कर लेंगे इस रीजन का, ये जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम टी इक्वल टू जीरो पर डिफाइन कर रहे हैं इनिशियली जो हमने डिफाइन की है बाई द एफ एंड जी, उसका हम एक्सटेंशन कर लेंगे और उसको नेगेटिव इस पॉइंट तक इसको ऑब्टेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री. सो सेम वे यहाँ पर अगेन हमारे पास टू केसेस होंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन सी टी द सोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द सोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग, और इनफाइनाइट के अंदर आपने सोल्यूशन कैसे डिफाइन किया है बाय द डी'एलम्बर्ट फार्मूला. सो द सोल्यूशन इज यू एक्स टी इज 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी टाओ टी टाओ. ये आपके पास आ गया फॉर द रीजन एक्स इज ग्रेटर देन सी टी. बट वेन एक्स इज लेस देन सी टी मीन्स ब्लू साइडेड पार्ट, देन वॉट हैपन्स. प्रीवियस टॉपिक में जिस तरह से आपने किया है सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम डी'एलम्बर्ट फार्मूला, फ्रॉम डी'एलम्बर्ट सोल्यूशन और फार्मूला वी हैव यू एक्स कॉमा टी इज 1/2 इट्स फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2 वेयर यू ऑल्सो डिफाइंड हेयर फाई एंड साई. फाई जाई इज 1/2 एफ जाई प्लस इंटीग्रल 1/2 सी इंटीग्रल 0 to जाई जी टाओ डी टाओ प्लस k/2 इक्वेशन नंबर 3 एंड साई ऑफ ईटा एच
1 by 2 f of eta minus 1 by 2 c integral 0 to eta g tau d tau minus k by 2 equation number 4। अब आपके पास बाउंड्री यूज करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम किस पर आ रही है, x माइनस सी टी करेक्टरिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पा रही है एट द पॉइंट x कॉमा टी व्हेन x इज लेस देन सी टी रीजन। ओके, सो हम इसी को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास बाउंड्री गिवन है ux 0, मीन्स बाउंड्री इज डिफाइंड बाई द डेरीवेटिव टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस डेरीवेटिव टर्म विद द हेल्प ऑफ जनरल सोल्यूशन। सो इक्वेशन टू को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फर्स्टली डिफ्रेंशिएट टू पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें कितना मिलेगा भाई, यू एक्स एक्स कॉमा टी, हम एक्स के साथ कर रहे हैं, दिस इज द फी डैश एक्स प्लस सी टी प्लस साई डैश एक्स माइनस सी टी। यहाँ पर आप बाउंड्री यूज कर लीजिए। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इज गिवन यू एक्स जीरो कॉमा टी विच इज जीरो। सो वी सब्स्टिट्यूट दिस वन जीरो, दिस इज द फी डैश एक्स, सॉरी फी डैश सी टी प्लस साई डैश ऑफ माइनस सी टी। ओके, अब यहाँ पर अगेन हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई भाई, हमें तो निकालना है फाई एंड साई, मीन्स जो भी वैल्यूज कंप्यूट करनी है वो फाई साई के टर्म्स में करनी है। यहाँ पर आ गया डेरिवेटिव। सो फर्स्ट यू इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेशन आपका होगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, सो वी मार्क हियर विद रिस्पेक्ट टू टी। सो दिस कैन बी रिटन एज phi dash converted into the phi of ct, but t is not linear, sorry t is not without the scalar multiple, yahan par aapke paas scalar multiplication hai, so divided by the c, and yahan par ye aapka aaya psi dash of minus ct, this is divided by minus c equals to say some k dash, koi constant humne k dash keh diya, so we can write phi of ct माइनस साई डैश साई ऑफ सी टी, नॉट साई डैश साई ऑफ सी टी इक्वल टू से समथिंग के, मे बी इक्वेशन नंबर 5। ओके, यहाँ से हमें बेसिकली निकालना क्या है, साई निकालना है, ठीक है। सो हम साई को यहाँ से सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द साई, के आप लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए, साई को राइट में शिफ्ट कर लीजिए, सो phi of ct minus k equals to psi of minus ct, let alpha equals to minus ct, then psi alpha can be written as phi of minus alpha minus k, replace आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सॉल्व कर लीजिए, रिप्लेस अल्फा बाई एक्स माइनस सी टी, क्योंकि भाई आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस करेक्टरिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही थी दिस वन, तो इसको हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज साई एक्स माइनस सी टी इक्व टू फाइव माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी टी माइनस ऑफ के, सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वन फाइव सी टी माइनस ऑफ एक्स minus k, now you substitute this value of phi which is 1 by 2 f of ct minus x plus 1 by 2 c integral 0 to ct minus x g tau d tau plus k by 2 and minus k, so finally left is minus k by 2 which is 1 by 2 f ct minus x plus 1 by 2c integral 0 to ct minus x
जी टाउ डी टाउ माइनस के वाई टू एंड सब्स्टिट्यूटेंट टू सब्स्टिट्यूटेंट टू और यू कैन राइट देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी ओके यू मेंशन देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ आईबीबीपी इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज गिवन बाय UXT equals to phi x plus ct means 1 by 2 f x plus ct plus 1 over 2 c integral 0 to x plus ct g tau d tau plus k by 2 plus psi of x minus ct yani 1 by 2 f ct minus x प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रल जीरो टू सी टी माइनस एक्स जी टाओ डी टाओ माइनस के वाई टू माइनस के वाई टू प्लस के वाई टू इज कैंसिल आउट सो दिस कैन बी रिटन एज वन बाई टू समराइज कर लीजिए सिमिलर टर्म्स एक साथ अरेंज कर लिए सी टी माइनस एक्स प्लस वन बाई टू सी इज टेकन आउट इंटीग्रल जीरो टू एक्स प्लस सी टी जी टाओ डी टाओ प्लस इंटीग्रल जीरो टू सी टी माइनस एक्स जी टाउ डी टाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन व्हेन एक्स इज लेस देन सी टी एंड द सॉल्यूशन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन सी टी गिवन बाय द डी-लैम्बर्ट फॉर्मूला अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इसके सॉल्यूशंस जो हैं अगर आप कोई जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो तो वो किस तरीके से आप इसमें पूरा सलूशन डिफाइन करेंगे हमने डी-लैम्बर्ट से तो एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखी भी है अब हम इसके भी एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर प्रोसीड करते हैं जैसे मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ सेम वे आप जो फिक्स्ड एंड वाला टॉपिक है उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो अभी मैं इसमें फ्री एंड का ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाद में कम्बाइंड एग्जाम्पल्स भी आपको कुछ एक वीडियो क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे सो वन एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपको लिखी जाती है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज गिवन यू टी टी इक्वस टू से यू एक्स एक्स देखिए यहाँ पर सी इस बार इसने हमें वन दे दिया है जीरो टू इन्फिनिटी एंड टी एच पॉजिटिव दे डिफाइन यू एक्स जीरो इज कॉस पाई बाई टू एक्स एंड इनिशियल वेलोसिटी यू टी एक्स जीरो इज जीरो ओवर द सेम डोमेन एंड द बाउंड्री यू एक्स जीरो कॉमा टी इज जीरो फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो सबसे पहले हमें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा करेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है कि वन इज एक्स माइनस सी टी अदर इज एक्स प्लस सी टी तो हम सबसे पहले उसी को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं रीजन भी ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद हम सेपरेटली पॉइंट टू पॉइंट इसको डिफाइन करते हैं ओके तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इसको मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर वन द करेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन पी डी ई द करेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन इक्वेशन और गिवन पी डी वन इज एक्स माइनस टी अदर इज एक्स प्लस टी सो बी में दिस इज द जाई दिस इज द ईटा हाउ वी पुट एक्स माइनस टी एंड एक्स प्लस टी अवर सी इज वन सो वी पुट सी इक्वस टू वन एक्स माइनस सी टी यानी एक्स माइनस टी एंड एक्स प्लस सी टी मीन्स सी इज वन एक्स प्लस टी सो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक कर्व्स आ गए अब हम इसका पहले तो रीजन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि बाइफर्केशन ईजी हो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गई एक्स इक्वस टू टी हम एक्स माइनस सी टी पर ही प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती थी सो एनी पॉइंट इन दिस रीजन मींस दिस इज द रीजन एक्स इज ग्रेटर देन टी तो एक हमारे पास ये पार्ट बन गया
और ये पार्ट बन गया x इज लेस देन t। तो एक इसके अंदर हमें सॉल्व करना है, एक इसके अंदर सॉल्व करना है। इसके अंदर आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, दिस सोल्यूशन इज गिवन बाय द डीएलएम्बर्ट फार्मूला। इसके अंदर सोल्यूशन कैसे मिलेगा, अभी आपने एक डेरिवेशन यहाँ पर ऑब्टेन किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रीजन्स को ही बाइफरकेट करके मेंशन करना होगा, सेम जैसे हमने डेरिवेशन में किया है वैसे ही क्वेश्चन में लिखेंगे, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, जैसे हम वहाँ सी टी लिखते थे यहाँ पर टी लिख दिया। सोल्यूशन इज गिवन बाय द डीएलएम्बर्ट फार्मूला, सो मेंशन भी कर दीजिए सोल्यूशन इज गिवन बाय यू एक्स टी। मैं यहाँ पर वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, पूरी इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ, वन बाई टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रल, ऑल्सो मेंशन सी इक्वल टू वन। ठीक है, फॉर द प्रॉब्लम वन ओवर टू सी एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी टाओ डी टाओ। आपके पास जो जो वैल्यूज गिवेन है उनको आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लीजिए। सो व्हाट्स आर द वैल्यूज, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर जी एक्स, तो इनको पुट कर दीजिए। एफ एक्स है आपका वन बाई टू, एफ एक्स इज कॉस पाई बाई टू एक्स प्लस टी, सी टी की जगह आ जाएगा एक्स प्लस टी, सी इक्व टू वन। आप इसको पुट करेंगे सी इक्व टू वन देन दिस वन प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू एक्स माइनस टी प्लस वन ओवर टू इंटू वन इंटीग्रल एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी, बट जी इज डिफाइंड एज जीरो, सो दिस टोटल क्वान्टिटी शुड बी जीरो। सो यू सिंप्लीफाई दिस वन, कॉस सी प्लस कॉस डी विच इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। सो यहाँ पर भाई इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पाई बाई टू एक्स प्लस टी माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस टी बाई टू इंटू कॉस डी माइनस सी और सॉरी कॉस डी सी माइनस डी यानी एक्स प्लस टी पाई बाई टू इज एज इट इज माइनस एक्स प्लस टी। ओके, सो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट कर लीजिए, दिस इज द टू एक्स एंड दिस इज द टू, तो ये फाइनली आपके पास ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका कॉस पाई बाई टू एक्स और ये बच गया आपका कॉस ऑफ पाई बाई टू टी। तो इस तरीके से आप इनका सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दिस वन इज द कॉस, तो ये आप इस तरीके से इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।